हेलो बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार सीसेट के बैच को लेकर परेशान थे तो आपकी इस समस्या का समाधान लेकर पीडब्ल्यू अब आपके पास आ चुका है और हम लोग लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए सी सैट बैच इसके बारे में आपको आज पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं इस बैच में क्या है किस तरीके से चलना है क्या शेड्यूल है ईच एंड एवरी यानी कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं सी सेट बैच के लिए ऑरियंटेशन सेशन तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी का सी सेट का बैच है ये कैसा बैच है तो मेरे भाई ये जो बैच है वो है आपका इंग्लिश बैच और नाम है मैस्ट्रो मैस्ट्रो ये जो इंग्लिश बैच आपके लिए सी सेट के लिए होने वाला है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस बैच के अंदर आपका जादू क्या है देखो जादू यह है कि यह बैच आपको मिल रहा है मात्र टू फोर डबल नाइन रुपीज में टू फोर डबल नाइन यानी कि चौबीस सौ निन्यानवे रुपए में मात्र केवल आप सी सेट के सभी सब्जेक्ट के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं और आपकी जो ये परेशानी थी क्योंकि आपको पता है कि सी सेट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में भले ही ये क्वालिफाइंग है लेकिन लोगों को परेशान जरूर करता है तो इस समस्या का समाधान इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके ही पीडब्ल्यू आपके पास आया है और वो भी मात्र जो है वो टू फोर डबल नाइन रुपीज में ठीक है तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे इस बैच की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें जब हम लोग इस बैच की बातें करेंगे तो देखो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं यूपीएसट का जो मैस्ट्रो बैच है इसके बारे में पूरा डिटेल में तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं थ्री डेज इसके लिए फ्री डेमो क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस आज से यानी कि ट्वेंटी ऑफ फेब से स्टार्ट हो गई है ट्वेंटी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं अब आपको थ्री डेज फ्री ट्रायल मिलने वाला है यानी कि आप सभी क्लासेस के लिए थ्री डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं पहले समझ सकते हैं जान सकते हैं कि जो हमारी क्लासेस हैं वो किस तरीके से चलेंगी किस पैटर्न पे चलेंगी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो किस तरीके से आपको सारी चीजों को सिखा रहे हैं थ्री डेज फ्री डेमो क्लासेस ये सभी के लिए है कहां पर चलेगा इसके लिए आपको हमारी जो पीडब्ल्यू एप है इस पर आप सभी को जुड़ना है और पीडब्ल्यू एप के थ्रू ये थ्री डेज का आप जो डेमो क्लासेस है वो क्या कर सकते हैं ले सकते हैं सभी के लिए फ्री है यानी कि कोई भी बच्चा जो भी सीसेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है वो इस फ्री डेमो क्लासेस को अवेल कर सकता है

और चाहे हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो तीनों जगह आपकी ये जो दो स्किल है इसकी बहुत जरूरत पड़ती है स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की और रीजनिंग की तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा तो हम लोग जो इसमें काम करने वाले हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे काम करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर काम करने वाले हैं इसके अलावा यहां पर प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी और डिस्कशन भी रहेगा किसका जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पर बेस्ड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उन सभी पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये फीचर्स है इस बैच का वीकली टेस्ट होगा आपका एवरी संडे एवरी संडे आपको बिग टेस्ट की जो सुविधा है वो इसके अंदर दी जा रही है साथ ही साथ आपको डेली लेक्चर नोट्स यानी कि जो क्लास की पीपीटी है जिसको आप क्लास नोट्स भी कह सकते हैं यह भी आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर यहां पर प्रोवाइड होने वाले हैं डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड करी जा रही है बी प्रोवाइड आ डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी विद द बेस्ट फैकल्टी इन द इंडस्ट्री टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ स्टूडेंट बाय अ डाउट इंजन यानी कि डाउट इंजन की सुविधा दी जा रही है डाउट इंजन के थ्रू आप जितने भी डाउट हैं अपने उन सभी को क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं जो भी डाउट आपके क्लासेस के रिगार्डिंग हो या प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन के रिगार्डिंग हो या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप मॉक टेस्ट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो वो डाउट भी आप डाउट इंजन के थ्रू क्या करा सकते हैं क्लियर करा सकते हैं इसके अलावा अगर हम लोग और बेस्ट डिटेल की बात करें तो ये किस एग्जाम को कवर अप करने वाला है ये कवर अप करने वाला है यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम होने वाला है उसको ये कवर अप करेगा लैंग्वेज इस बैच की जो होगी वो इंग्लिश होगी यानी कि आपको हिंदी मीडियम के चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं लैंग्वेज का जो वॉरियर है वो यहां पे नहीं रहेगा दोनों लैंग्वेजेस में क्लासेस होने वाली हैं इंग्लिश प्लस हिंदी यानी कि हिंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया जाएगा तो पीपीटी भी आपकी वैल्यूअल होगी यानी इजली हिंदी वाले भी लोग समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले लोग भी आराम से समझ सकते हैं स्टार्ट डेट जो है वो ट्वेंटी फाइव दो हजार तेईस हो रही है, वर्डन आपको नहीं दिया गया है। एक है जो क्लास शेड्यूल आपका रहेगा उसमें एक लेक्चर पर डे रहेगा और वीकली आपको टेस्ट भी देना है कि जो एवरी संडे होगा उसमें आपका टेस्ट यहां पर होने वाला है अगर मैं इसके सब्सक्रिप्शन की इन डेट की बात करूंगा तो ये 31 दिसंबर 2023 को एंड हो जाएगा मतलब इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी लगभग वन ईयर की है 31 दिसंबर 2023 को तक ये जितने भी क्लासेस इसके अंदर चलने वाली हैं वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल रहेंगी यानी कि उन क्लासेस के थ्रू जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगी उनके थ्रू आप मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं क्लासेस का जो शेड्यूल है वो मंडे से लेकर सैटरडे तक है मंडे से सैटरडे क्लासेस चलने वाली है कोर्स की जो प्राइस है वो चौबीस सौ निन्यानवे टू फोर डबल नाइन रुपीज की है क्लास की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लास की टाइमिंग जो है वो वन थर्टी टू थ्री थर्टी पीएम है लेकिन आपको यहां पर मैं एक करेक्शन कर देता हूं कि जो मैथ्स की क्लास की टाइमिंग होगी मैथमेटिक्स के लिए वो क्लास की टाइमिंग होगी दो से चार बजे तक मैथमेटिक्स की क्लासेस के लिए टाइमिंग दो से चार होगी बाकी सभी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस की टाइमिंग जो है वो 1:30 से 3:30 पीएम डेली बेसिस पे क्लास होने वाली है अगर कोई भी व्यक्ति इस टाइम पे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता है तो वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास को क्या कर सकता है वॉच कर सकता है सबसे पहले जो क्लासेस है वो मैथमेटिक्स से, से ही स्टार्ट हो रही है। उसके बाद फिर आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी और फिर आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस मैथ्स की क्लास जो है वो आपकी चलेगी ट्वेंटी फरवरी दो हजार तेईस से फोर्टी दो हजार तेईस तक ये क्लासेस मार्च से, क्लास से क्लास होगी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो कि चलेगी सिक्स ऑफ अप्रैल तक तो आप देख सकते हैं कि पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा फिर रीजनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगर इस बैच के अंदर आपको एनरोलमेंट लेना है अगर आपको अपने आप को पंजीकृत कराना है इस बैच में तो कैसे आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो उस कंप्लीट प्रोसेस को जानते हैं सबसे पहले आपको पीडब्ल्यू ऐप को क्या करना है डाउनलोड करना है पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे नंबर सबमिट करेंगे नंबर पे ओटीपी मिलेगा मेल आईडी डालनी है उसके बाद इस तरीके का डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा तो इस डिस्प्ले में देखो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको वहां पे ऊपर इसमें जाना है सेलेक्ट करना है यूपीएससी कैटेगरी को यूपीएससी पे क्लिक करना है आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस यहां पे आ रही है यूपीएससी को पर क्लिक करने के बाद जब आप यूपीएससी पे क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद आपको प्रीलिम्स जीएस प्लस सीसेट पर जाना है जब आप यहां पर जाएंगे तो यूपीएससी का सी का जो मैस्ट्रो बैच है ये आपको मिल जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देखो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है इस बैच से रिलेटेड वो सारी डिटेल आप देख सकते हैं क्लासरूम में जाके आप सारी क्लासेस चेक कर सकते हैं जो भी इस बैच के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट रहेगा वो आपको अनाउंसमेंट के थ्रू मिलता जाएगा बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 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 ऑप्शन आ जाएगा देखें ये न्यू अप्रोच ऑफ रीजनिंग की बुक अगर आपको लेनी है तो ये ले सकते हैं साथ में फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आएंगे बैच में पे करने के तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं पेमेंट जो है वो अपनी कर सकते हैं ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस है आपको सारा ऑप्शन देता है यूपीआई के थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू वॉलेट के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू जैसे भी आप इसका पेमेंट करना चाहे उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसका जो पेमेंट है वो कर सकते हैं ठीक है अब मान लीजिए आपने कोर्स को परचेस कर लिया कोर्स की डिटेल आपको पता लगी तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोर्स के अंदर जो आपकी फैकल्टीज हैं वो कौन सी है ठीक है यानी कि अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं फैकल्टीज की नो योर फैकल्टीज जितनी भी आपकी फैकल्टीज हैं उनके बारे में वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं शिवम द्विवेदी सर की जो आपके सामने है ठीक है यानी कि जो मैथमेटिक्स का डिस्कशन है वो आपके साथ आपका जो है वो मेरे साथ होने वाला है ठीक है ये आप मेरी बाकी सारी चीजें देख सकते हैं अचीवमेंट देख सकते हैं मैं एक्स सब इंस्पेक्टर हूं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से टेन ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा यानी पिछले टेन से ज्यादा सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और अलग अलग कैटेगरी एग्जाम में मैंने जो टीचिंग है वो करी है जितने भी स्टेट एग्जाम्स uh, होते हैं उनकी बात कर लें चाहे वो स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हों या बाकी एग्जाम्स हो एस एस सी रेलवे पढ़ा रहा हूँ ठीक है आपको पता है कि जो सीसेट में मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो केवल और केवल कहाँ, किस लेवल का है टेंथ लेवल तक का है और ये जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें भी टेंथ लेवल तक का ही आता है तो बहुत आसान सी चीजें होती हैं इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स की तैयारी है वो हमें किस तरीके से करनी है उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि जो हम लोग मैथमेटिक्स का डिस्कशन है वो किस तरीके से करने वाले हैं तो आपको पता है कि देखें जब भी हम लोग मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है ठीके? एक तो है हमारा कॉन्सेप्ट और दूसरी है हमारी प्रैक्टिस और आपको पता है कि इस बैच के अंदर हम लोग दोनों ही चीजों को जो है वो क्या करने वाले हैं कवर अप करने वाले हैं आपके पास प्रैक्टिस का भी पूरा आपको मौका मिल रहा है और कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं तो जो आपकी क्लासेस चलने वाली हैं ट्वेंटी फेब से लेकर ट्वेंटी फेब से लेकर जो आपकी फोर्टीन ऑफ मार्च तक जो क्लासेस चलेंगी इन क्लासेस के माध्यम से पर डे कितने घंटे की क्लास है टू आवर्स पर डे की क्लास है एक क्लास है लेकिन जो क्लास होने वाली है वो पर डे कितने की होने वाली है टू आवर्स की तो इस टू आवर्स की जो पर डे क्लास है जो ट्वेंटी फाइव से ऑफ मार्च तक चलेगी इसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले हैं बिल्डअप करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने वाले हैं साथ ही साथ जितने भी हमारे पास पी वाई क्यू होंगे उन सभी को भी हम लोग क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं ठीक है साथ ही साथ आपका दूसरा पार्ट होता है प्रैक्टिस देखिए इस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या है इस प्रैक्टिस के लिए आपको एवरी संडे जो है वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है ठीक है एवरी संडे जो आपका मॉक टेस्ट होने वाला है एक तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है साथ ही साथ इसके अलावा आपका क्या होगा जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी डेली क्लास रिवीजन करने हैं आपको यानी कि जितने भी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे डेली क्लास नोट्स का रिवीजन आपको करना है ठीक है और पी में आपको ऑलरेडी कवर अप करवा ही रहा हूं तो दो काम आपके मेनली रहेंगे एक तो काम रहेगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना और दूसरा काम रहेगा आपका प्रैक्टिस करना तो कॉन्सेप्ट कैसे होना है जो क्लासेस हमारे पास चलने वाली है उससे हम करेंगे साथ ही साथ उन क्लासेस के साथ ही मैं क्या करूंगा आपको भी भी प्रैक्टिस करा दूंगा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सारे आपके उसी क्लासेस में आपके साथ ही साथ क्या हो जाएंगे कवर अप हो जाएंगे उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है आपको मॉक टेस्ट के थ्रू और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉग बनाने के लिए ये आपका डेली बेसिस पे काम होगा आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन आपको आज ही कर लेना है क्योंकि जब आप उसको डिवाइड कर आप जो भी चीज आज चल रही होगी जब आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा और मल्टीपल रिविजन करने पर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं तो एक तो वही तुरंत के तुरंत के रिवीजन होने वाला है और फिर जब भी कभी आपको ऐसी फीलिंग लगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डल हो रहा है तो आपको उसको फिर से क्या कर लेना है रिवाइज कर लेना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अच्छे से आपको क्लास नोट्स प्रिपेयर करना है ठीक है आपको क्लास नोट्स जो है क्लास नोट्स से नोट्स प्रिपेयर करना है किसमें अपनी नोटबुक में क्योंकि जब भी आप क्लास नोट्स से नोटबुक में नोट्स बना लोगे तो आपको रिवीजन करने में आपका जो साइम टाइम है वो क्या हो जाता है बच जाता है टाइम सेविंग होती है जब आप क्या करते हो जब आप रिवीजन करते हो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नोट्स जो है उनके क्या करने हैं जरूर तैयार करने ठीक है रिवीजन करने में आपका टाइम क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा तो ये कुछ बातें थी जहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है हमारे साथ तैयारी करने वाले हैं तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सीधा आपको लाइव क्लास में मिलते हैं सी यू इन द लाइव क्लास ऑन पीडब्ल्यू एप्लीकेशन और ध्यान रखेगा फर्स्ट थ्री डे सभी के लिए फ्री डेमो क्लास है यानी कि कोई भी बच्चा इस क्लास को अटेंड कर सकता है तीन दिन डेमो क्लासेस ले सकता है उसके बाद अपने आप को आप इस बैच में क्या करा सकते हैं एनरोल करा सकते हैं ठीक है तो ये सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए जय हिंद लब य